मॉर्निंग क्लास, आज आपण मराठी पाहणार आहोत। मराठी मध्ये आफ्टर दिवाळी मध्ये आपण पहिला धडा पाहणार आहोत, तो आहे मराठी। मराठीचा कोणता पहिला धडा आहे त्याला बघूया। तर आपण धडा 11वा, मीनूचा जलप्रवास। ठीक आहे, काय आहे मीनूचा जलप्रवास? जलप्रवास म्हणजे काय तुम्ही लोक सांगा। जलप्रवास म्हणजे पाण्यातून ट्रॅव्हलिंग करणे म्हणजे जलप्रवास। प्रवास म्हणजे ट्रॅव्हल करणे आणि जल म्हणजे पाणी, पाण्यातून प्रवास करणे। ठीक आहे, आणि मीनू कोण आहे हे तुम्हाला पण नाही माहिती, मला पण नाही माहिती, तर चला तर आपण बघूया मीनू कोण आहे। बघा, एक नदी होती, एक होती नदी, तिच्या मध्ये खूप पाणी, निळे निळे, थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची, खोल गोल गोल गोटे दिसायचे, अन सुळसुळ पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। मीनू मासळी, मीनू कोण आहे तर मासळी आहे, मासा आहे, फिश है। मीनू कोण है तो फिश का नाम मीनू है। आप लोगों के घर पे भी फिश टैंक होता होगा तो आप लोग मच्छी के नाम रखते हो कि नहीं, फिश के नाम रखते हो, वैसे ही ये जो चैप्टर में जो मछली है वो मछली का नाम है मीनू। मीनू होती इवलीशी। इवलीशी मतलब छोटी सी, हाँ, अगदी तुमच्या हाताचा बोटा एवढी, अगदी तुमच्या हाताच्या बोटा एवढी, मतलब आपकी जो आपका जो फिंगर है वो फिंगर के इतनी ही वो मछली थी। इतनी अभी मेरी फिंगर बड़ी है, आप लोग मेरे से छोटे हो तो आपकी फिंगर छोटी सी होगी, तो आपके फिंगर की इतनी वो मछली है। ठीक है, रुपेरी कल्याणची। रुपेरी कल्याणची, रुपेरी मतलब सुनहरे उसके कल्ले थे, कल्ले जो उसके जो फर है ना वो। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, तिला क्षणभरही नजरे आड होऊन द्यायचे नाही, पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। देखो क्या है, एक जो नदी है वो नदी कैसी है, वो नदी में बहुत सारा पानी है, पानी कैसा है, नीला नीला और ठंडगार, मतलब ठंडा पानी है, और स्वच्छ मतलब एकदम क्लीन पानी है, आईने की तरह साफ पानी है, और वो पानी पानी जो है उसकी जो ये नीचे जो हिस्सा होता है, नीचे निचला हिस्सा, वो कैसा है, पूरा जो निचले हिस्से में जो वालू है, वालू जो रेती है वो दिखाई दे रही है, उसमें जो गोल गोल पत्थर होते हैं गोटे उसको कहते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं, इतना वो साफ, इतनी वो साफ नदी है। हाँ, और उसमें क्या है, बहुत सारी मछली तो रहती थी और उसमें वो छोटी सी भी मछली मीनू रहती थी, और मीनू कैसी छोटी थी। हाँ, तो जो जो नदी में दूसरे जो फिश थे, वो फिश जो थे वो मीनू को बहुत लाड़ प्यार करते थे, और वो उन फिश को कहीं भी जाने को नहीं देते थे, मीनू को कहीं भी जाने को नहीं देते थे। जैसे आप लोग घर में होते वो सबके लाडले चहेते, मम्मी पापा के, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, सबके लाडले होते हो, क्यों हम लोग छोटे होते हैं इसलिए हम लोग लाडले होते हैं। हाँ, तो हम लोग को कहीं भी जाना हो, किधर भी जाना हो, तो हम लोग के साथ कोई ना कोई होता है, मतलब हमारे जो मम्मी पापा है वो उनकी आँखों से दूर हम लोग को जाने नहीं देते, नजरें आड़ मतलब दूर, आँखों के सामने से दूर जाना मतलब नहीं जाने देते थे हम लोग को, देते हैं जाने को नहीं देते। अभी भी हम लोग घर में हैं तो हमारे मम्मी पापा को हम लोग बोलेंगे मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मम्मी बोलेगी किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करना है, ऐसा इतने सारे हम लोग को सवाल पूछते हैं। तो वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो हम लोग को बहुत लाड़ प्यार करते हैं, वो जो पूछते हैं वो हम लोग की केयरिंग हमारे भीतर होती है, इसलिए वो हम लोग को पूछते हैं, खुद की आंखों से दूर हम लोग को होने नहीं देते। वैसे ही ये मीनू का था। काय आहे पुढे, ती आईला विचारायची, मतलब वो जो नदी में रहती थी वो नदी में उसको रहने के लिए कंटाला आता था, कंटाला आया था कि क्या रोज का वो उधर ही उधर ही, कुछ नया नहीं, कुछ नहीं। हम लोग भी घर में बैठे बैठे बोर होते हो तो सैटरडे संडे मम्मी पापा हम लोग को घुमाने लेके जाते हैं, फिर हम लोग अगर नहीं लेके गए तो हम लोग कितना कंटाला बोरिंग होते हैं, तो बोलते हैं क्या रोज का यही स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर पढ़ाई करो, यही वो यही सब हम लोग करते हैं, फिर हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को घुमाने लेके जाते हैं, हम लोग मम्मी पापा को बोलते हैं कि चलो ना किधर तो घुमाने चलो ना, तो मम्मी पापा हम लोग को लेके जाते गार्डन बोलो या कहीं बोलो लेके जाते हैं। वैसे मीनू अपनी मम्मी से भी बोल रही है कि ती आईला विचारायची, वो मम्मी को पूछ रही है आई एवढं पाणी रोज कुठे जातो, आई म्हणायची मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं, आई समुद्र केवढा असतो मीनू विचारी, मला माहित नाही बा,
आई म्हणायची, मीनू मधून मधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र, रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूप मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही असेल, केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर, असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर, आनंदाने तिने टुनकन उडी मारली। वो मम्मी को पूछ रही कि मम्मी ये जो नदी का पानी है वो रोज कहाँ पे जाता है। मम्मी पूछ रही है बच्चा ये पानी जो है वो समंदर में जाता है। इतना बड़ा समंदर कितना बड़ा होगा? मम्मी को तो मुझे नहीं पता। हाँ इतना समंदर तो बड़ा होगा क्योंकि इतना सारा पानी उसमें समा जा रहा है, मतलब ये तो बड़ा होगा, ऐसे वो मम्मी को बोल रही है। तो ये जो सवाल है वो मीनू बीच बीच में मम्मी को हमेशा पूछती रहती थी। आप लोग भी सवाल करते हो अगर कोई चीज आप लोगों को पता नहीं होती तो आप लोग मम्मी पापा को क्वेश्चन करते हो, टीचर्स को क्वेश्चन करते हो कि ये ऐसा ही क्यों वैसे ही क्यों, तो आप लोगों को आंसर टीचर देती है, मम्मी पापा भी आंसर देती है। बट यहाँ पे जो मीनू की मम्मी है इसने उसको आंसर नहीं किया है, वो बोल रही मुझे नहीं पता। फिर वो क्या सोच रही है कि क्यों ना मैं ही खुद देखने चली जाऊँ, और वो क्या करी टुनकन उड़ी मारती, मतलब झटक से उड़ी मार देती है, खुद ही मारती है। हाँ फिर क्या उसमें बताया है, एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवर पाण्याचे लोंबे वाहायला लागले, नदीचे पाणी गुळगुळले, मासे पाहून एकमेकांना शोधू लागले, पण कोणीच कोणाला दिसेना, पाणी वेगाने वाहत होते। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामूक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली। देखो एक दिन क्या हो रहा है, बहुत जोरों से बारिश हो रही है और वो बारिश के जो पानी गिरा है वो पानी पूरा फोर्सफुली किस में गया है, नदी में गया है, नाले में गया है। तो वो जो रास्ते का जो पानी है वो नदी में गया है, तो वो पानी जो पूरा है नीला नीला पानी पूरा गंदा हुआ है, गड़ूड़ हुआ है, मिट्टी के मारे वो क्या हुआ है, गंदा हुआ है। और वो जो साफ पानी था उसमें जो नीचे की वाटर दिखाई देती वो अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसी जो पानी जो फोर्सफुली बह रहा है वो पानी में सब मछलियाँ क्या हुए तितर बितर हो गई है, और जो मीनू है उसकी मम्मी जो है वो भी क्या हुई है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं और गुम गए हैं, ठीक है। और मीनू वो पानी के फ्लोर से बहने लगी है। आगे आगे देखो क्या है, खूब व्यक्ति असित पोहत होती, मीनू हड़ूस तो उघड़ ले थू सगे खारट पानी। देखो वो बहुत टाइम ऐसे ही घूम रही थी और उसने क्या किया, अपना मुंह खोला है, मुंह खोलते उसने थू किया है। थू कर क्यों किया है, क्योंकि उसके मुंह में क्या गया है, खट्टा जो नमक वाला पानी है वो पानी गया है। क्यों उसको पानी वो खट्टा लगा, क्योंकि वो समंदर में आई है और वो कहाँ पे रहती थी, तो वो नदी में रहती थी। नदी का पानी कैसे होता है, मीठा होता है, और समंदर का पानी खारा होता है, तो उसको वो जो पानी है वो खट्टा लगा है और उसने थू किया है बराबर। देखो हम लोग भी मीठ वाला पानी नहीं पीते, तो वो तो फिश है, फिश भी नहीं पीती, फिश को भी पता चलता है। मछलियाँ भी दो टाइप की होती है, एक समंदर वाली और वो एक मीठे पानी वाली, दो टाइप की मछलियाँ होती है। तो आगे क्या है, थू किया मीनू ने सगळे खारट पाणी, अय्या म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की, वो बोले अरे बापरे जो समंदर समंदर कहते वो आया लगता है, बाप रे केवड़ा लांब पर्यंत पसरलेला आहे, बाप रे कितना दूर तक गया है वो, नजरा सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब लांब, हमारी नजर भी नहीं जाती इतना वो दूर दूर तक फैला हुआ है। थोड़ी सी चक्कर मारून परत जावे झाले, मीनू हळूहळू पुढे निघाली, पाण्यात एक बाजूला लांब पर्यंत खडकांचा रंगा होता। मीनू क्या है, थोड़ी चक्कर मारी, चक्कर मारी मतलब जैसे आप लोग घूमते हो ना इधर उधर टहलते हो ना वैसे ही मीनू टहल रही है, और फिर क्या बोले फिर जाएंगे घर पे। हाँ तो वो जो थोड़ी से आगे आई है और आगे क्या देख रही है, ला मतलब दूर दूर तक क्या है, पहाड़ है, पत्थर वाले पहाड़ है होते हैं ना समंदर के अंदर पहाड़, आप लोगों ने देखा होगा, जू चौपाटी गए होंगे या वर्षावादी गए होंगे तो आपने देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे दिखाया बताया गया है। त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती, नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी, उसमें एक कड़क जो था एक पत्थर जो था उस पर क्या थी, फूल ही फूल थे, बहुत सारे फूल थे, और वो फूल क्या कर रहे थे, पानी पे लहरा रहे थे। हाँ मीनूला गम्मत वाटली, उसको
उसको क्या हुआ है, वो सरप्राइज हो गई है, वो उसको मजा आ रही है, ती हळूहळू पुढे निघाली, वो धीरे धीरे क्या जा रही, आगे जा रही, लाल गुलाबी अंजीरी फूले किती छान 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 रंग होते, फ्लावर्स के कलर बताए, लाल कलर का, गुलाबी कलर का, अंजीरी कलर का, बहुत सारे कलर्स के वहाँ पे फ्लावर्स दिखाई दिए। आप लोग भी नई जगह पे जाते हो तो कोई नई चीज देखते हो तो खुश होते हो, सरप्राइज होते हो, होते हैं ना, वैसे वीनू भी हो गई है नई जगह पे जाके। नई जगह कौन सी है, समंदर। आगे क्या है, इवल्या इतक्या तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली, त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती। वीनूला क्षणभर हसूत आले, उतने में ही क्या हुआ है, उसकी एक विचित्र मतलब एक अजूबी गरीब जो अजीबो गरीब जो फिश होता है उसके साथ उसकी टक्कर हो गई है, और उसका मुंह देखा उसने, घोड़े की तरह मुंह है उसका, और उसके पेट के बल पे एक थैली लगी है, और वो थैली में छोटी 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 फिश है। हाँ, वो उसको देख के क्या हुई, हंसी है उसको, मतलब एक अजीब लगा उसको देख के, इसलिए उसको हंसी आई है। हम लोग को भी हंसी आती है किसी, मतलब हम कुछ अलग देखते हैं तो हम लोग देख के हंसते हैं। कौन तुम्ही, तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच बोलला नाही, हळू हळू पुढे गेला। वो मीनू पूछ रही है, घोड़ा मासा जो है, हॉर्स फिश जो है, उसको पूछ रही है, कौन तुम्ही, आप कौन हो। वो जो फिश है उसने कोई भी जवाब नहीं दिया है, वो आगे ही चला गया। तेवढ्यात तळ्याकडे आवाज आला, त्याचं नाव घोड़ा मासा, समुद्र घोड़ा। आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले, तळाशी एक मोठे कासव बसले होते, नदी असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत लाटांजवळ पोहोचली व त्याला म्हणाली, कासवदादा तुम्ही इकडं कधी आलात। उतने में ही वो क्या, मीनू उसको सवाल पूछ रही है कि आप कौन हो, तो उसको क्या आवाज आ रही है, तळात मतलब तल जो होता है नदी समंदर का तल निचला हिस्सा, उधर से आवाज आती है, क्या है, तो घोड़ा मासा है, उसको क्या कहते हैं, समुद्र घोड़ा भी कहते हैं। घोड़ा मासा मतलब हॉर्स फिश या सी हॉर्स। हाँ, ऐसे जैसे वो आवाज आती है तो वो आवाज की दिशा में अपना मुंह हिलाती है, कौन, मीनू मछली। और वो क्या बोल रही है, अरे कासव दादा, कासव मतलब टर्टल, कासव दादा तुम्ही नदी, जो नदी में छोटे छोटे रहते हैं कासव, और समंदर में बड़ा है, तो वो बड़ा कासव जो है टर्टल जो है वो उसको भूल रहा है, तो वो टर्टल को क्या बोल रही है, अरे कासव दादा तुम्ही इतने कदी आना, यहाँ पे कब आए आप, ऐसे वो बोल रही है। आगे क्या है, मी तर इथं राहतो, ते म्हणाले, नाहीच मुळी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासव दादा आहे। वो बोल रही है कि आप यहाँ पे कब आए, तो वो जो टर्टल है वो आंसर कर रहा है कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो बोलते नहीं, हमारे नदी में भी जो टर्टल है छोटे छोटे, वो भी कासव दादा ही है, वो भी उधर ही रहते हैं, ते वेगळे। वो देखो कौन जवाब दे रहा है, टर्टल जवाब दे रहा है, ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो, पण तू इकडे का आली। वो बोल रहा है वो अलग टर्टल है और मैं अलग हूँ, वो नदी का टर्टल है और मैं समंदर का टर्टल हूँ, पर तू यहाँ पे क्यों आई, ऐसे वो बोल रहा है। इधे तर पावला पावलावर संकट उभी असतात, यहाँ पे तो कदम कदम पे क्या है, मुसीबत रहती है, संकट आते रहते हैं। बघितलं किती चित्र विचित्र मासे फिरतात, देखा ना कैसे अजीबो गरीब फिश यहाँ पे घूमते रहते, देखा होगा आप लोगों ने मूवी में या एक्वेरियम में गए होंगे तो कैसे अलग अलग मासे सॉरी मछलियाँ होती है, देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो आठ हाथ असलेला अष्टभुजा मासा, हाँ इकडे तिकडे, तो आठ अष्टभुजा असलेला मासा तो कसा उलटा चालतोय, बघितलंस का, पाण्याचा चुळा मा भरत हळूहळू मागे सरकतो, आपल्या आठ हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो, पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात, बरं का। देखो यहाँ वहां से कौन जा रहा है, अष्टभुजा मतलब आठ हाथ रहने वाला मछली, आठ हाथ रहने वाली मछली होती है ना, ऑक्टोपस है ना, वो उसको क्या बोला है, अष्टभुजा असलेला मासा। हाँ,
वो क्या कर रहा है, अपने आठों जो हाथ है, आठ हाथ, आठों हाथों से वो काम करता है, मछली पकड़ता है, केकड़ा पकड़ता है और सब खा जाता है। और क्या कर रहा है, अपने जो आठ हाथ है उससे धीरे धीरे चल के वो पीछे भी आता है। उसको क्या, उसको इंसान भी डरते हैं। तो तू क्या है, पानी में उतरने के लिए उसको इंसान भी डरते हैं। पण कासव दादा इथे तर तळाला नदी सारखे शंख शिंपले पडलेले आहेत। वो बोलिए पर कासव दादा क्या है, जैसे नदी में शंख और शिंपले होते हैं, शेल वगैरह होते हैं, शंख शेल होते ना नदी में होते, वैसे समंदर में भी है। पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते, इथे या दोन शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीडा बसलेला असतो। बर का, त्याला चालायचं असलं की आपले पाय पटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो। हा अगदी माशांचा गोळा असतो गोळा। या शिंपल्यात चुकून एकदा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला चिकटतो, टोचायला लागतो। मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो। तरी पोचणं काही संपतच नाही। हा आपल्या तसाच गुंडाळात राहतो, पण त्यातून छानदार मूर्ती तयार होतो। इथे तळ्यापर्यंत कधी कधी माणसे येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात। क्या बोल रहे वो मीनू जी, बोल रहे नदी में भी शिंपले होते हैं। तो नदी के शंख शिंपले होते हैं और जो समंदर के शंख शिंपले होते हैं उसमें क्या डिफरेंट होता है। तो मीनू बोल, वो जो कासव दादा है वो बोल रहा है कि नदी के जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो समंदर के जो शिंपले होते हैं उसमें क्या रहता है, तो उसमें एक कीड़ा रहता है और वो कीड़े को कभी टहलना होता है तो वो जो पेटी होती है, जो ऐसे शेर की पेटी होती है, उस शेर की पेटी में से अपने पैर बाहर निकालता है और फिर वो चलता है। और अगर इनकेस उसमें कोई जो बालू जो रहती है, सैंड रहती हो, जो अंदर गई ना तो उसको चुभने लगती हो, तो चुभने के बाद वो क्या करता है, अपना जो उसका जो मुंह होता है, मुंह से वो एक लिक्विड निकालता है और वो लिक्विड का पूरा कवर अपने बॉडी पे चढ़ाता है शेल के अंदर ही। फिर भी नहीं हुआ तो फिर से वही रूटीन उसका चलता रहता है। फिर उससे क्या बनता है, एक मोती बनता है, सीप का मोती बनता है, ऐसे ये बताया है इसमें। हाँ, और जो ये शिंपले, अगर इन केस कोई समंदर में आया और उनको जो मिला तो वो शिंपले जो रहते हैं वो लोग उठा के लेके जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना जू चौपाटी घूमने, हम पैरों के नीचे शंख आते हैं, शिंपले आते तो हम लोग उठाते हैं, छोटे 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 आते तो हम लोग उठाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी उठाते हैं बताया है। इतक्या त्याच्यामधून एक प्राणी तिरक्या तिरक्या चालत गेला। उतने में ये क्या है, एक प्राणी, एक एनिमल आया है और वो क्रॉस चलते गए। क्रॉस कौन होगा आप बताओ, चलो देखते हैं। तो आपल्या बटबटीत डोळ्याने मीनूकडे पाहत होता, आता मात्र मीनूची घाबरगंडी उडाली, पळत जाऊन ती कासव दादाजवळ उभी राहिली। वो क्रॉस चल रहा है, कौन होगा वो, ऐसे पूछ रहे। उसके बड़े बड़े आंखें हैं, वो उसको देख के डर गई और वो कासव दादा के पीछे छुप गई। हम लोग भी डरते हैं अगर कोई अननोन पर्सन आता है या कोई एकदम बड़ा सा इंसान हम लोग देखते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, अजीबोगरीब इंसान देखते तो हम लोग डर जाते हैं, तो हम लोग मम्मी पापा के पीछे छुपते हैं या घर में भाग जाते हैं, ऐसा कुछ भी हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही मीनू कर रही है। हाँ, घाबरनों को उठाकर खेकड़ा, वो क्या बोल रहा है टर्टल दादा, कासव दादा क्या बोल रहे, डर मत, ये कौन है, खेकड़ा है, क्रैब है, क्रैब। हाँ, त्याच्या पाठीवर माझ्यासारखं कठीण कवच आहे, उसके पीछे भी मेरे जैसा क्या है, हार्ड कवच है। खाते हो ना क्रॅब, देखा है ना क्रॅब, त्यामुळे शत्रू याच्यावर हल्ला करू शकत नाही। इसकी वजह से शत्रु जो है, दुश्मन जो है, इस पर क्या करते, अटैक नहीं करते। क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके पीठ के पीछे एक बड़ा शेल होता है, कवर होता है। हाँ, याला सहा तरी कभी आठ ही पाय असतात, इसको जो होता है कभी छह पैर होते या कभी आठ पैर भी होते। तरी पण बोटाला सरळ बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही, तो भी इसको क्या है, सीधा चलने नहीं आता, वो क्रॉस ही चलता है। हाँ, चालता येत नाही, तोंडाजवळ दोन नाग्या असतात, त्यामुळे त्याचं संरक्षणही होतं व त्याला भक्षणही पकडता येते। उसको चलने नहीं आता, सीधा चलने नहीं आता है बताया। हाँ, सरळ मात्र चालता येत नाही। हाँ, तो फिर वो क्या कर रहा है, तोंडा जवळ उसके जो दो क्या रहते, नग, नाग्या, नाग्या, नाग्या मतलब जो आंगड़े रहते हैं,
ऐसे 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 रहते, आपने देखा होगा। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, उससे खुद का संरक्षण, खुद की प्रोटेक्शन करते हैं और उससे ही भक्षण पकड़ता है। भक्षण मतलब खुद के लिए खाना जो होता है वो उससे ही पकड़ता है। आता तू माझ्या बरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ, तिथे खूप अंधार असेल कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही। तिथे प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात, काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो। चल येते गंमत बघायला नको रे बाबा, घाबरून मिनू म्हणाली। मला माझ्या आईकडे जायचं आहे, कासव दादा हसून तिच्याबरोबर निघाले। वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती, ती चुकवत त्यांनी मिनूला नदी आणून सोडले। अभी वो क्या बोल रहा है, चल अभी हम लोग और आगे जाएंगे, और डीपली जाएंगे, बट वहाँ पे क्या है, बहुत अंधेरा रहेगा। जैसे जैसे आप लोग समंदर के अंदर जाओगे, समंदर के अंदर उजाला नहीं होता, जो सूरज की रोशनी होती है वो समंदर के अंदर तक नहीं जाती, इतना हमारा डीपली समंदर रहता है। क्यों नहीं जाती, क्योंकि बहुत नीचे रहता है और जो सूर्य की किरणें हैं वो इतनी डीपली नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पे अंधेरा रहता है। हाँ, तो वो क्या बोले, बट वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े मछली भी होंगे, वो तुझे दिखाई देंगे, बट वहाँ पे अंधेरा होगा। तो वो क्या बोल रही, नहीं बाबा नहीं, मुझे अभी मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे आप मेरी मम्मी के पास छोड़ दो। तो वो जो हंसने लगा है, कासव दादा जो है वो हंसने लगा है और बोल रहा है, चल के हम मैं तेरे मम्मी के पास छोड़ता हूँ। और रास्ते में जगह जगह पे क्या था, गाड़ी मतलब नेट बिछाए हुए थे, किसने, कोली लोग ने। हाँ, क्यों बिछाते हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो वो उन लोग उनसे बचते बचाते नदी में आया है, के जो कासव दादा है वो नदी में लेकर आया है मीनू को। हाँ 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 हाँ, नदी का गोड़ पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला, नदी का जो मीठा पानी है उसका टच मीनू के बॉडी को हुआ है। वो बोली हाँ हाँ हाँ, नदी आई, तीने दोन तीन वेळा चूड़ा भर लिया, उसने दो तीन बार गुल्ली की, चूड़ा मतलब गुल्ली करना करते थूकते ना, वो खारा टोन स्वच्छ ढूंढ लेते। वो जो समंदर में थी, समंदर की वजह से उसका मुंह कैसा हुआ था, नमक की वजह से खट्टा हुआ था, इसलिए उसने दो तीन बार गुल्ली करके पानी फेंक दिया है। अभी उसका मुंह कैसे हुआ है, अच्छा हुआ है। कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर, तीने आग्रह केला। वो बोल रही कासव भैया चलो ना मेरे साथ, वो इन्सिस्ट कर रहे, आग्रह मतलब इन्सिस्ट करना। नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही। नहीं मीनू, जैसे तुझे समुद्र अच्छा नहीं लगता वैसे मुझे नदी अच्छी नहीं लगती। ऑफकोर्स हम लोग को हमारा घर प्यारा होता है। देखो हम लोग मेहमान जाते हैं, आप लोग किसी के घर में मेहमान जाते हो, मामा के घर पे, दादा दादी के घर पे, सॉरी नाना नानी के घर पे जाते हो, तो हम लोग 8 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद में हम लोग के हमारे घर की याद आती है। फिर हम लोग बोलते मेरे घर पे छोड़ो, मुझे मेरे घर पे छोड़ो, ऐसे करके रोने लगते हैं। वैसे ही मीनू भी बोल रही है, कासव दादा मीनू को बोल रहा है कि जैसे तुझे तेरा घर अच्छा लगता है, वो मीठे पानी वाला नदी जो है मीनू का घर है, तुझे अच्छा लगता है, वैसे मेरा घर क्या है, खारा पानी वाला समंदर, तो मुझे मेरा घर अच्छा लगता है। हाँ एतो मी, तू मात्र आता घरीच जा, हाँ बोलूनच बघत कासव दादा हळूहळू निघाले। क्या बोल रहे कासव दादा, आता हूँ मैं अभी, तू क्या जा अपने घर पे जा, वो ऐसा पलट पलट के उसको देख रहा है। मीनूला क्षणभर वाईट वाटले, कासव दादाने तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या, त्या कधी एकदा आईला सांगेन असे तिला झाले होते। मीनूने क्या किया है, मीनू को थोड़े समय के लिए दुख हुआ है, और उसको जो कासव दादा ने सारे जो बताई बातें, वो घर पे जाके मम्मी को कब बताऊंगी ऐसा उसको हो रहा था। हाँ कभी बताऊंगी ऐसा उसको हो रहा था, लेकिन उसको बुरा भी लग रहा था। हम लोग भी कहीं से घूम के आते हैं तो हम लोग कभी घर पे जाएंगे, मम्मी को भी ये कब बताऊंगा, पापा को कब बताऊंगा, ऐसा हम लोग को होता है। वैसे ही मीनू को भी हुआ था। ठीक है, अभी ये जो शब्दार्थ है ये आप लोग को क्या करना है, नोटबुक में कॉपी करना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को किस पे दूंगी, व्हाट्सएप पे दूंगी। ये मैं शब्दार्थ है मैं जो रीड करके बता रही हूँ, जल प्रवाह, पाण्यातील प्रवास, मासोळी, लहान मासा, मुसळधार, फार जोराचा लोंढे, खूप लोड, चक्कर मारून, भटकून फिरून, डोळे विस्फोटणे, डोळे मोठे करणे, भक्ष, शिकार, ये जो शब्दार्थ है ये आप लोगों को कॉपी डाउन करना है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे देती हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय।